हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास सिक्स का हिस्ट्री का चैप्टर टू करवाऊंगी, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। यानी कि जो स्टार्टिंग का टाइम था, उस टाइम पे इंसान ने किस तरीके से फूड को जो है गैदर किया था, कैसे उसकी खोज करी थी, वो हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम ये तुषार की ट्रेन जर्नी से। इसमें आपको एक तुषार दिख रहा है, ये ट्रेन में जा रहा होता है दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कज़न्स वेडिंग, अपनी कज़न की वेडिंग में। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट। उसको जो है विंडो सीट मिल जाती है, वहाँ विंडो सीट पर बैठ के जो है वो बाहर की तरफ देखता है। वो बाहर की तरफ क्या देखता है, अपने ग्लास पैनल से। एज ही वॉज ट्रीज एंड द हाउस फ्लाई पास्ट, कि जो ट्रीज और हाउस है वो फटाफट पास्ट आउट जो है निकलते जा रहे हैं। हिज अंकल टैप हिज शोल्डर एंड सेड, जो उसके अंकल है उसका शोल्डर पर टैप करते हैं और बोलते हैं, डू यू नो डैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो, क्या तुम जानते हो कि 150 साल पहले जो है ट्रेन स्टार्ट हुई थी। तो अंकल उसको ये बात बताते हैं, एंड द पीपल बिगिन यूजिंग बसेस अ फ्यू, अब उसके कुछ टाइम बाद, फ्यू डिकेट्स लेटर, मतलब कुछ टाइम बाद जो है उसके बाद बसेस चलनी शुरू हुई। तुषार बहुत हैरान होता है, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बॉर्न, नॉट क्वाइट। तो तुषार बड़ा हैरान होता है ये जानकर कि पहले के टाइम पे लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते होंगे जल्दी, और वो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर रहते होंगे। अब स्टार्ट कर दिया, द अर्लीस्ट पीपल वेयर वर दे ऑन द मूव, अब जो पहले के टाइम के जो लोग थे वो इधर उधर क्यों जाते थे। वी नो डैट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स एज अर्लियर एज 2 मिलियंस ईयर एगो, हम जो है उन लोगों के बारे में जानते हैं। वी नो अबाउट पीपल, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि कहाँ रहते थे, उप महाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो है वो वहाँ पर रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देन एज हंटर गैदर, आज हम उनके बारे में जो है डिस्क्राइब करेंगे, उनको क्या कहते थे, हंटर गैदर्स जो उनको कहते थे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, ये नाम कहाँ से आया हंटर गैदर, जो वो भोजन जो अपना अपना खाना इकट्ठा करते थे, उन्हीं की वजह से इनको जो नाम दिया गया हंटर गैदर, ठीक है। उसके बाद जर्नली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे, शिकार करते थे, कॉच फिशेस एंड बर्ड्स, फिशेस को जो शिकार कर फिशेस को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, गैदर्ड फ्रूट्स रूट नट्स सीड्स लीव्स स्टॉक एंड एग्स, और उसके बाद वो जो है और क्या करते थे, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया को पकड़ते थे, और जो फल जो फूल दाने पौधे पत्तियाँ होते थे उनको वो इकट्ठा किया करते थे। हंटर गैदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, देर आर मैनी रीज़न फॉर दिस, जो हंटर गैदर थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, जगह जगह जाते थे, इसके बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न तो यहाँ पे दे रखा है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो उस जगह के जितने भी जानवर और प्लांट्स हैं वो लोग खा के क्या होगा, वो ईटन अप एंड अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स, जितने भी उसके साधन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे। तो देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, फिर उनको क्या होता है, दूसरी जगह पर खाने की तलाश में जाना पड़ता है। यानी कि अगर एक जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी साधन हैं उनको वो खा लेंगे तो वो सारे साधन ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो दूसरी जगह पे जाएंगे। सेकंड ये रीज़न है इसमें कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जानवर है वो भी जगह जगह जाते हैं, किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, अपने स्मॉलर प्रे, अपने शिकार की तलाश में जानवर भी जाते हैं जगह जगह, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देम मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पे डियर और वाइल्ड कैटल की बात हो रही है, वो भी अपने खाने की तलाश में जाते हैं, ग्रास के लिए लीव्स के लिए वो भी जाते हैं, तो जो डियर और कैटल का जो शिकार करने वाले लोग हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए जाएंगे, तो दूसरा रीज़न ये है। थर्ड रीज़न ये दे रखा है कि प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, अब जो जितने भी प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो अलग अलग मौसम में उनमें फल आता है। सो मैनी सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, लोग इस वजह से भी जाते हैं कि जो अलग अलग सीजन में जो फ्रूट्स आता है, तो पीपल हैव मूव, तो जैसे कि मान लो समर का सीज़न आ गया और मैंगो उसमें लगने हैं, तो फिर समर के सीज़न में लोग उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे मैंगो का ट्री होता है। तो इस तरीके से सीज़न के अकॉर्डिंग भी जो फ्रूट्स लगते हैं उनकी वजह से भी उनको जगह जगह जाना पड़ता है। फोर्थ रीज़न ये है कि फोर्थ पीपल
सॉरी प्लांट पीपल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। अब पीपल को, प्लांट्स को, एनिमल को, सबको पानी चाहिए पीने के लिए, उसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक स्ट्रीम एंड रिवर्स। अब जो पानी की तलाश भी होती है कि उसके लिए भी तालाबों के लिए लोग जो नदियों के लिए वो भी जाते हैं पानी की तलाश में। अब आगे दे रखा है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हम इन लोगों के बारे में, हमें कैसे पता चला, ये जो पहले के जो लोग थे आदि मानव जिनको कहते हैं, आरंभिक मानव जो है, इनके बारे में कैसे पता चला। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ ऑल सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यू। आर्कोलॉजिस्ट को उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो हंटर गैदर्स यूज़ करते थे, जो उन्होंने चीज़ें बनाई थी और जो वो इस्तेमाल करते थे, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली। इट इज़ लाइक दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन वुड एंड बोन्स ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। अब उस टाइम पे लोगों ने कुछ टूल्स बनाए स्टोन के, वुड के और बोन्स के, और विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। उन्होंने अपने काम के लिए जो ये सब सारी चीज़ें बनाई। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। जो भी उन्होंने ये जो स्टोन के टूल्स बनाए, कुछ इसलिए थे कि वो मीट को कट करने के लिए और हड्डी को काटने के लिए, बार्क को जो है स्क्रैप करने के लिए, एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और जो एनिमल स्किन थी उनको उतारने के लिए, फ्रूट्स एंड रूट्स को चॉप करने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन्स एंड वुड और टू मेक्स स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अब जो है जो वो उन्होंने हथियार बनाए थे, कुछ के पीछे तो उन्होंने लकड़ी, जैसे कि अगर हम हैमर की बात करें तो हैमर के पीछे क्या लगाया था, वुड लगाया गया था, और कुछ के पीछे वो बोन्स लगाते थे, कुछ के साथ वो स्टोन के साथ वुड का यूज़ करते थे, और वो अपने शिकार के लिए क्या करते थे, कुछ एरोज वगैरह और जो स्पेयर्स हैं वो सब बनाते थे। उसके बाद है अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए, विच वॉज द यूज फॉर एज फायरवुड, लकड़ी को लकड़ी का जो है आग जलाने के लिए भी यूज़ की जाती थी। वुड ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स, और जो लकड़ी है वो हर्ट और टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब यहाँ पर जो है मैप टू में देखने के लिए बोला गया, जैसे कि ये आप मैप टू देख रहे हैं, ऑल द प्लेसेज मार्क विद रेड ट्राइंगल्स। यहाँ पर देखो ये रेड ट्राइंगल्स है, प्लेसेस जो है वो मार्क्ड हैं। आर साइट फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरिंग। ये वो जगह हैं जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को हंटर गैदर्स के एविडेंस मिले, कुछ उनको वहाँ पे उनके प्रमाण मिले। हंटर गैदर लिव इन मैनी मोर प्लेसेस। हंटर गैदर बहुत सारी जगहों पे रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, सिर्फ कुछ ही जो है मैप में दिखाई गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, जो ज़्यादातर साइट्स हैं वो कहाँ पर हैं, पानी के आसपास ही हैं, सच एज रिवर और लेक के आसपास है। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि अगर हम टूल्स की बात करें तो स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट था। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजली, लोग ढूंढते थे कि अच्छे क्वालिटी के जो हैं वो स्टोन कहाँ मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ केव्स की बात हो रही है, नीचे जो केव्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे भीम बेट का इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में ये केव्स हैं। दिस इज ओल्ड साइट विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर, पीपल चूज दिस। अब जो पहले के टाइम पे क्या था, लोग इसके अंदर रहते थे, क्यों रहते थे, सर्दी से, गर्मी से और धूप से बचने के लिए, तूफानों से बचने के लिए लोग इसमें रहते थे। और बहुत सारी केव्स के अंदर इस टाइप की पिक्चर्स जो हैं वो जो है बनी हुई थी, जो कि आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड करी है। उसके बाद आगे देखते हैं फाइंडिंग अबाउट द फायर। अब हम फायर की बात करेंगे, आग के। फाइंड द करनोल केव्स ऑन मैप टू। अब जो करनोल केव्स है उसमें मैप टू आप देख, मैप टू में करनोल केव देखिए, ट्रेजेज ऑफ एशेज हैव बीन फाउंड हियर। अब यहाँ पर कुछ एशेज मिली हैं, एशेज में क्या राख मिली है उनको यहाँ पे कुछ, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे पहले जो लोग थे वो आग को जलाते थे, उन्होंने जो है आग की खोज कर ली थी, इससे ये पता चलता है। वो आग का यूज़ किस लिए करते थे, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट रोशनी के लिए करते थे, मीट वगैरह जलाने के लिए करते थे, खाना पकाने के लिए करते थे, और जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट, 12,000 साल पहले, अराउंड 12,000 ईयर अगो, देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया की जो जलवायु है उसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आया। विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिव्स वार्म्स कंडीशन इन मैनी एरियाज, दिस लेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, दिस इज टर्न लेड ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गॉड, शीप, कैटल्स, एनिमल्स एंड सर्वाइव ऑन ग्रास। तो जब ये चेंज आया तो बहुत जो है गर्मी बढ़ने लग गई, इससे क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पे घास वाले जो मैदान थे वो बनने लग गए, और जब घास वाले मैदान बनने लग गए तो इससे जो हिरन था, बारहसिंगा था, भेड़ बकरियां थी, गायें थी, ऐसे जो जानवर थे उन्होंने उनकी संख्या बढ़ गई, वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो
घास खाकर जिंदा रहते हैं, घास पे सरवाइव करते हैं। दोज हू हंटेड दीज एनिमल नाउ फॉलोन, और जो इनका शिकार करते हैं गाय का, भैंस का, हिरन का, जो इनका शिकार करते हैं वो भी इनको क्या करने लग गए, फॉलो देम, इनको फॉलो करने लग गए और सीखने लग गए, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, और वो सीखने लगे कि जानवर क्या खाते हैं, ये वो उन्होंने सीखना शुरू किया। और उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो कैसे किस तरीके से होती है, इट इज़ अ लाइक दैट हिज हेल्प द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हैडिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल देम्स। इस ये चीज़ जो है उस टाइम के लोगों को वो सोचने लग गए कि जानवर क्या खाते हैं, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, उन्होंने वो सीखना शुरू किया पहले के टाइम के लोगों ने, और उनको पालना शुरू किया। और फिशिंग जो है, फिशिंग ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट, और जो फिश है वो भी उनका एक महत्वपूर्ण जो है उनके लिए हो गई। इस तरीके से उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। अब आ गई फार्मिंग एंड हैडरिंग। फार्मिंग और हैडरिंग क्या, जैसे कि खेती बाड़ी करना और पशुओं को पालना, कैसे शुरू हुआ। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम, ये भी एक टाइम था, वेन सर्वर्स ग्रेन ब्रिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रो नेचुरल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर जो है अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में क्या था, नेचुरली जो है ये वहाँ पर ग्रो होती थी। तो जो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉपरली कलेक्टेड दिस तो दीज ग्रेन, और वो सब वो रहे इन सारी चीज़ों को क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे खाने के लिए। और फिर उन्होंने क्या किया, एंड लर्न वायर दे ग्रो एंड वैन दे रिपेट। अब उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से वो उसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो भी खेती बाड़ी कर सकते हैं, उन्होंने ये चीज़ सीखी। दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स, उन्होंने सीखा अब खुद से ऑन देयर ऑन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, इस तरीके से लोग वहाँ पहले के लोग जो है वो किसान बने। अब बात आ जाती है जानवर के पालने की। अब जो इन्होंने जानवर पालना शुरू किया, उन्होंने क्या करा कि पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट देम देन टेम एनिमल्स बाई लीविंग फूड फॉर देयर नियर देयर शेल्टर। जहाँ पे इनका घर होता था, जहाँ पे ये लोग रहते थे, उन्होंने क्या करा अपने घर के आसपास कुछ ऐसा चारा डालना शुरू किया कि जो जानवर हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनके पास आए। जब वो जानवर इनके पास आते थे तो उनको खाने के लिए देते थे। धीरे धीरे इस तरीके से इन्होंने जानवर को पालना शुरू किया, उनकी देखभाल करनी शुरू करी, और उन्होंने उनकी जो रक्षा है, उन जानवरों की रक्षा दूसरे जानवर से भी करते थे जो इनका शिकार करते थे। इस तरीके से उन्होंने हैडर्स मतलब पशुपालन शुरू की। अब हम देखते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे बात हो रही है सीड की। इफ़ अ प्लांट अ सीड, इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप किसी बीज को बोएंगे, यू विल नोटिस डैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, आप देखेंगे कि कुछ थोड़ा टाइम लगता है उसको ग्रो होने में। दिस मे बी फोर सर्वल डेज, काफ़ी दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। When people begin to growing plant, it meant that they had to stay the same place for a long time looking after that plant. अगर कोई वहाँ पर people, कोई कुछ लोग अगर वहाँ पर plant को grow कर रहे हैं, कुछ किसी बीज को बो रहे हैं, तो उसको उगने में time लगेगा, तो उसको काफ़ी time तक उसी जगह पर रहना पड़ेगा। Same place for a long time looking after, उसकी देखभाल करने के लिए plant की watering देना पड़ेगा, उसको weeding करनी पड़ेगी, उसकी driving away करनी पड़ेगी, और animals और birds से भी जो उसको बचाना पड़ेगा। Till the grain ripened, जब तक फसल पक नहीं जाती। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और किस तरीके से उसका यूज़ केयरफुली करना है, किस तरीके से उसको स्टोर करना है, ये भी चीज़ उसको ध्यान में रखनी पड़ती है। एज ग्रेन हैड बीन बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, अब उसको जो है वो जब फसल पक जाती है तो उसको सीड का भी जो है ध्यान रखना पड़ता है, उसको स्टोर कैसे करना है ये भी उसको देखना पड़ता है। पीपल हैड टू थिंक अवे फ्रॉम स्टोरिंग इन द मैनी एरियाज, दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट, वो बड़े से लार्ज क्ले पोर्ट बनाते हैं या फिर बहुत बड़ी बकेट्स बनाते हैं जिसमें वो उसके अंदर या फिर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें वो स्टोर करते हैं। अब आ गया जाता है स्टोरिंग एनिमल। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, कि एनिमल्स जो है नेचुरली अपने आप बढ़ते गए। बिसाइड इफ दे वर आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, उन्होंने क्या क्या दिया, मिल्क दिया, उनसे हमें मिल्क मिला, मीट मिला। Whenever required in other words, animal that are reared can be used for store of food. अब आगे है finding out about the first farmers and header. पहला farmer header जो है कैसे मिला। You will notice a number of blue squares. या आप map में देखेंगे ना आपको वहाँ पर blue squares दिखेंगे। Each marks a site from here archaeologist. वो सारी जगह वहाँ है जो उन्होंने archaeologist ने मार्क कर, ईच मार्क अ साइट फ्रॉम आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर हैडर्स, ये वो जगह हैं जहाँ पे जो आर्कोलॉजिस्ट को मिली थी अर्लियर फार्मर और हैडर्स की। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये सारी जगह सब कॉन्टिनेंट में उनको मिली थी। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर एरिया नॉर्थ वेस्ट में है,
in the present day Kashmir and the East and South India. To find out the whether these sites were settlement to farmer and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. जो पहले जो scientists हैं उन्होंने plants और animals के ऊपर जो है इनकी study करी इनकी bones के ऊपर. One of most exciting find including remain of burned grain. एक जगह उनको जले हुए अनाज मिले. This may have been burned. हो सकता है कि उन्होंने जान के जलाए हों. Scientists can identify these grain and so we know that the number of crops were grown in the different part of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. हो सकता है कि अलग अलग subcontinent के different part पे उन्होंने ये सब जो है we know that a number of crops were grown. बहुत सारी जो फसलें उगी हों और दे कैन ऑल्सो उन्होंने और क्या उनको मिला आइडेंटिफाई द बोन्स उनको कुछ बोन्स मिली डिफरेंट एनिमल्स की. अब है टूवर्ड अ सेटल्ड लाइफ. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हर्ड्स. उनको क्या मिला कुछ हर्ड्स मिले कुछ हाउसेस मिले उस जगह पर. फोर इंस्टेंट इन गुर्जोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर जो कि अब कश्मीर में है. पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इन टू द ग्राउंड. वहाँ पर लोगों ने नीचे करके कुछ है ना खोद के डग करके कुछ बना रखे थे घर. क्यों बना रखे थे विथ स्ट्रैप लीडिंग इन टू दैम बुतर के नीचे जाते थे. हो सकता है कि सर्दी से बचने के लिए उन्होंने इस तरह के घर बना रखे हों. और आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ वहाँ पर फाइंड किया कि कुकिंग हार्स बोट इन साइड. उन्होंने ये देखा कि जो कुकिंग है घर के अंदर भी की गई है और घर के बाहर भी की गई है. विच सजेस्ट डैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर. हो सकता है कि वेदर की वजह से जब सर्दी होती हो तो अंदर करते हो गर्मी में बाहर करते हो कुछ भी इस टाइप से जो है वेदर की वजह से दोनों साइड वो कुकिंग करते हों इंडोर और आउटडोर. ठीक है अब यहाँ पे ड्रॉ अप पिट हाउस. यहाँ पे पिट हाउस ड्रॉ करने के लिए बोला गया. उसके बाद बात आ जाती है स्टोन्स की. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. अब जो स्टोन टूल्स हैं उनको बहुत सारी जगहों पे मिले. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर. कुछ जो थे पहले से जो उन्होंने पहले उन्होंने ढूंढे थे उससे कुछ अलग थे. पैथोलॉजिक टूल्स एंड दैट वी वाई दे आर कॉल्ड नीलोथिक. दीज इंक्लूड टूल्स डैट द पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग. इनको जो है पॉलिश किया जाता था फाइन कटिंग के लिए. एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर आर प्रोड्यूस. और इनको ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए और कामों के लिए भी यूज़ किया जाता था. मोटर्स एंड द पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स. और जो मोटर और पेस्टल था ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए यूज़ होता था. इवन टूडे आज भी यूज़ होता है. सर्वल थाउजेंड ईयर लेटर एट द सेम टाइम टूल्स आर पैथोलॉजिक टाइप कंटिन्यू टू मेड एंड यूज द रिमेंबर सम टूल वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स. काफ़ी सारे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि हड्डियों से भी बनाए जाते थे. मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोर्ट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. दीज वर समटाइम्स डेकोरेट. कुछ जो है डेकोरेट के लिए यूज होते थे अर्थन पोर्ट जो मिट्टी के बर्तन होते हैं. एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग और चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज किए जाते थे. पीपल बिगन यूजिंग पोर्ट्स फॉर कुकिंग फूड. खाना पकाने के लिए भी उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया. स्पेशली जैसे कि चावल गेहूँ और दालों के लिए इन्होंने यह इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट. Beside they began weaving cloth using different kind of material. अब जो कपड़ा बुनने के लिए भी इन्होंने क्या करा different kind of material. Example, cotton that could now be grown. कपड़े के लिए भी इन्होंने cotton के जो plants थे वो grow करने अब शुरू कर दिए. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. आज भी कई जगह मतलब उस time पर कई जगह पे तो हंटर एंड गैदर किया जाता था और दूसरी जगह पे फार्मिंग और हैडरिंग. देखो एक जगह पे सारा काम नहीं होता था. कहीं पे खेती बाड़ी कोई करता था कहीं पे कोई शिकार करता था तो सब अलग अलग जगहों पे रहते थे और कहीं पे कोई पशु को पालता था. इस तरीके से जो काफ़ी सालों तक हुआ. अब यहाँ पर कुछ मेहर घर है जिसके बारे में बात हो रही है. मेहर घर जो है वो मरने के बाद जो है दिस साइड इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इन टू द ईरान. मेहर घर वॉज प्रॉपरली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड बियर शीप एंड गोट्स फॉर फर्स्ट टाइम इन हिज एरिया. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज डैट वी नो अबाउट. एट दिस साइड मैनी बोन्स आर वर फाउंड. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड. मेहराब जो वहाँ पर एक जगह है दिस इज़ अ साइड एक जगह है जो फर्टिलाइज प्लेन जगह है बिल्कुल. यहाँ भोलन पास विच इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे जो रूट है ईरान का इन टू ईरान मेहराब वॉज प्रॉपरली वन ऑफ द एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने लर्न टू ग्रो बार्ली. जहाँ पे लोगों ने बार्ली वीट और जो शीप्स को रियर करना गोट्स को फर्स्ट टाइम जो है इस एरिया में उन्होंने सीखा.
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्लियर विलेज दैट वी नो. ये वो जगह है, एक ऐसे गाँव जहाँ पे लोगों ने ये जाना कि एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वन फाउंड, जहाँ पे बहुत सारी जो एनिमल्स की बोन्स जो है वहाँ पे पाई गई. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की, डियर्स की, पिग्स की, ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप की एंड गोट की, यहाँ पे जो है सारी बोन्स उन्होंने उनको मिली. अदर फाइन एंड मेहराब, अगर और इसमें देखें तो इंक्लूड रिमेन ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज, यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज थे, और ईच हाउस फोर मोर कंपार्टमेंट, और हर एक हाउस के अंदर चार या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट थे. सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, कुछ जो कमरे थे कुछ जो थे वो स्टोरेज के लिए सामान रखने के लिए थे. वेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव, उनके जो रिलेटिव्स और दोस्त थे वो क्या करते थे, पे रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, पीपल लुक आफ्टर देम पर हैव इन द बिलीव दैट देयर इज सम फ्रॉम लाइफ और डेथ. बुरियल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट. सर देखो उसमें क्या होता था कि पहले जो लोग मर जाते थे ना, वहाँ के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी लोगों को खाना पीना चाहिए. तो क्या करते थे, मरने के बाद जो उनकी कब्र होती थी उसके अंदर कुछ खाने की चीज़ें, कुछ बकरियां वगैरह उसमें डाल देते थे, ताकि वो किसी जब दूसरी दुनिया में जाए तो वहाँ पे पहले से ही खाने का अरेंजमेंट उसका हो. तो ये चीज़ जो है इसमें थी. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाता है. होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगाओ. वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.